गाइस ये है पानी से चलने वाली चक्की, पहाड़ी क्षेत्र के लोग इसे घराट बोलते हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से इसमें जो मक्की है वो पिस रही है। जैसे कि पहले मेरे दादा बुजुर्ग चलाते थे, वो 85 साल के एक्सपायर हो गए, तो मैंने सोचा कि बुजुर्ग खत्म हो गए तो मैं जब तक जिंदा हूँ मैं भी चलाते रहूँगा, जब तक मेरी सास है बुजुर्ग की आशा पूरी करता रहूँगा। गाइस ये है पानी से चलने वाली देसी चक्की, पहाड़ी क्षेत्र के लोग इसे घराट बोलते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये कितनी तेज गति से चल रही है। जो गांव के लोग होते हैं उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया होता है इसे। इसके लिए बिजली का उपयोग नहीं किया जाता है बल्कि पानी का उपयोग किया जाता है। और आप लोग देख सकते हैं ये किस प्रकार से चल रहा है, और ये धीरे धीरे करके जो आटा पीस रहा है वो नीचे को जा रहा है। ये देखिए कितनी स्पीड में ये आटा पीस रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और ये कुछ इस प्रकार से बनाया है। गाइस यार जो बुजुर्ग लोग होते थे पुराने लोग, उन्होंने बनाया था इसको, और अभी तक इसकी परंपरा चली आई है। अब तो ज़्यादातर लोग चक्की का उपयोग करते हैं, बट हमारे गांव में अभी भी घराट है, तो देख सकते हैं इस प्रकार से। और ये काफ़ी पुराना है, जो घर जैसा है ये काफ़ी पुराना है, देख सकते हैं आप लोग। मकड़ी के जाले भी लग चुके हैं यहाँ पे घर पे, कितना पुराना है आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से है यार, और बाहर से भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कि ये बाहर से कैसा है। गज बाहर से देखो इसको, कुछ इस प्रकार से बनाया होता है। और जो आप लोगों को मैंने अंदर दिखाया, इसके अंदर ही है वो घराट पानी की चक्की। गज आप लोग ये पाइप देख रहे होंगे, इस पाइप के जरिए यहाँ पे पानी आ रहा है, और नीचे जो चक्की चल रही है पानी से ही चल रही है। गाइस घराट के नीचे की साइड कुछ इस प्रकार से छेद जैसे बनाया होता है, ये देख सकते हैं आप लोग। और जो पानी है वो नीचे की ओर जा रहा है, ये देखिए। और जो फिर पानी बैक जाता है नीचे को, ऐसे जाता है कुछ